हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि फ्रेश। दोस्तों, मैं रुचि आपका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिलीशियस बटरी पाव भाजी रेसिपी। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कुकर लेते हैं। कुकर को साफ करके इसमें डालते हैं आलू, टमाटर, फूलगोभी, धुले हुए होने चाहिए। काटने से पहले सभी सब्जियों को धुल लीजिएगा। शिमला मिर्च, गाजर, हरी मटर, स्वीट कॉर्न, नमक स्वादानुसार, खड़े मसाले, तेज पत्ता धुला हुआ, 1/4 चम्मच सौंफ, छोटी इलायची, 2 लौंग, दालचीनी, आधा ग्लास पानी, ज़्यादा मत डालिएगा, बस आधा ग्लास। इन्हें मिक्स कर लीजिए। कुकर बंद करके 2 सीटी आने देते हैं। चलिए अब इसे गैस पर चढ़ा देते हैं ताकि ये सब्जियां अच्छी तरीके से पक जाएं। कुकर में 2 सीटी आ चुकी है, फ्लेम बंद कर दिया है। चलिए अभी इसे 5 मिनट ठंडा होने देते हैं, उसके बाद कुकर को खोल लेते हैं। चलिए सब्जियों को खोल लेते हैं। देखिए सब्जियां ठंडी हो गई हैं। अब सब्जियों में जो खड़े मसाले डाला हुआ है उसे निकाल लेते हैं। तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी, टमाटर की जो छिलके हैं इनको भी निकाल लेते हैं। सब्जियों में अगर आपको पानी ज्यादा लगे तो उसे निकाल दीजिए। अब सब्जियों को एक पैन में पलटकर इसे पोटैटो मैशर से अच्छी तरीके से मैश कर लीजिए। सभी सब्जियों को पोटैटो मैशर से अच्छी तरीके से मैश कीजिएगा। अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है तो आप किसी कटोरी से भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से हमने इसको मैश कर लिया। सब्जियों को मैश करने के बाद चलिए अब फटाफट इसमें तड़का लगाते हैं। पैन में डालते हैं बटर। बटर डालने के बाद आप इसमें डालिए प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और इसे सॉफ्ट कर लेते हैं। प्याज जब एकदम लाइट गोल्डन हो जाए तब आप इसमें डालिए टमाटर। भुना हुआ जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हींग। इनको भी भून लेते हैं हल्का। अब हम इसे डालेंगे ये जो मैश किया हुआ वेजिटेबल है इसको। इसे मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसमें जो कॉर्न पड़ा है स्वीट कॉर्न, ये बीच बीच में जब आता है खाने में तो बहुत ही डिलीशियस लगता है। चलिए अब इस स्टेज पर आप इसमें डालिए लाल देगी मिर्च, जितना आपको तीखा पसंद हो। और इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला लगभग 1 से 1.5 चम्मच। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इस समय एक बार फिर आप पोटैटो मैशर का यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी सब्जियां ज्यादा खड़ी हैं,
अभी आप पानी मत डालिएगा, पहले अच्छी तरीके से मैश कर लीजिएगा, उसके बाद ही पानी ऐड करिएगा। सब्जी अच्छी तरीके से मैश हो गई है। सब्जियों को डालने के बाद लगभग इसे 2 से 3 मिनट तक भून लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने इसमें नमक पहले ही ऐड किया है, एक बार आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो थोड़ा नमक और डाल लीजिएगा। सब्जियों को भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 ग्लास पानी, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच नींबू का रस, धनिया पत्ती, अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स करके 1 मिनट तक पका लेते हैं। ये आपकी डिलीशियस पाव भाजी की भाजी बनकर तैयार है, देख पा रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इसे इतना ही गाढ़ा रखेंगे। चलिए अब फ्लेम बंद कर देते हैं, अब पाव को सेक लेते हैं अच्छी तरीके से। पाव सेकने के लिए पाव को बीच से काट लीजिए 2 भागों में। इस तरीके से तवे पर बटर डालते हैं, थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा जो मसाला बनाया हुआ है भाजी का वो भी डाल देते हैं। अब इसमें पाव को लगाकर देख लीजिए, धनिया पत्ती, तरीके से पाव को देख लीजिए। भाजी मसाला डालने से ये थोड़ी चटपटी हो जाती हैं। आप चाहे तो डालें या ना डालें, ये ऑप्शनल है। ये आपका डिलीशियस पाव भाजी रेडी है। चलिए फ्लेम बंद कर देते हैं, अब हम आपको इसे सर्विंग प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे ये डिलीशियस बटरी पाव भाजी बनकर तैयार है। दोस्तों ये खाने में इतना लजीज है कि आप इसे एक बार घर में बनाकर खाओगे तो मार्केट का पाव भाजी खाना भूल ही जाओगे। फ्रेंड्स, पाव की जो भाजी बनाई हुई है इसे बहुत ही इजी तरीके से बनाना बताया है, कुकर में आप फटाफट बहुत ही जल्दी इसे बना सकते हैं। हम हर सैटरडे एंड वेडनेसडे को आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आते हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सर्च कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय।